Hello everybody, welcome back to my channel RJ Study. In this video, we are going to learn about importance of geography. क्या importance है geography की, क्यों हमें geography पढ़ना चाहिए, इन सारे चीज़ों को देखेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो importance को जानने से पहले geography का definition क्या है एंड ये words कहाँ से आया, इन सारी चीज़ों को हमें जानना बहुत जरूरी है, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो देखिए, द वर्ड geography originates फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. द फर्स्ट इज जियो विच मीन्स द अर्थ एंड द सेकेंड ग्रीक वर्ड ग्राफिया विच मीन्स टू राइट और डिस्क्राइब. तो जियोग्राफी वर्ड का जो लिटरली मीनिंग है वो ये है कि राइटिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ सर्फेस, अर्थ सर्फेस के बारे में लिखना या डिस्क्राइब करना जियोग्राफी. तो जियोग्राफी का एक जनरल सा डेफिनेशन है कि जियोग्राफी इज द साइंस दैट डील्स विद द डिस्क्रिप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेक्शन ऑफ द डाइवर्स फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कल्चरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सर्फेस. तो बेसिकली जियोग्राफी में ह्यूमन बींग एंड फिजिकल एनवायरनमेंट का जो इंटर रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाती है. अप्रोच, अप्रोच क्या होती है कि इट इज़ द वे ऑफ डीलिंग विथ समथिंग और ए वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग. देन इफ वी टॉक अबाउट द अप्रोच ऑफ जियोग्राफी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच. वन इज सिस्टमेटिक अप्रोच विच ऑल्सो नोन एज जेनरल जियोग्राफी अप्रोच एंड अनदर इज रीजनल अप्रोच. सो लेट्स सी व्हाट इज सिस्टमेटिक अप्रोच एंड रीजनल अप्रोच. रीजनल अप्रोच इज द बेस्ड ऑन पॉलिटिकल यूनिट्स लाइक नेशन, स्टेट, सिटी एंड सिस्टमेटिक अप्रोच इज द बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल यूनिट्स. इन द रीजनल अप्रोच द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू रीजन एट डिफरेंट हायरार्कियल लेवल एंड देन ऑल द जियोग्राफिकल फेनोमेना इज पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीड. दिस रीजन मे बी नेचुरल पॉलिटिकल. इन द सिस्टमेटिक अप्रोच द वर्ल्ड इज स्टडीड एज ए होल और एटलीस्ट कॉन्टिनेंटल लेवल. तो रीजनल अप्रोच एंड सिस्टमेटिक अप्रोच का एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आगे हम एक इस एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि डिफरेंस होता क्या है इन दोनों में. इन द रीजनल अप्रोच इफ वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट रेनफॉल अक्रॉस द वर्ल्ड देन वी ओनली स्टडी द डिफरेंट रीजन सच एज इक्वेटोरियल रीजन, डिजर्ट रीजन, मॉनसून रीजन. तो रीजनल अप्रोच में क्या होती है कि जब भी कोई भी फिनोमेना को स्टडी किया जाती है तो वो वर्ल्ड लेवल पे नहीं, छोटे छोटे रीजन के बेसिस के ऊपर स्टडी किया जाती है. एंड इन द सिस्टमेटिक अप्रोच इफ वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट रेनफॉल देन वी हैव टू कंसिडर एज ग्लोबली और एटलीस्ट कॉन्टिनेंटल लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. तो कॉन्टिनेंटल लेवल एटलीस्ट और ग्लोबली स्टडी किया जाते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच में. माइकल पैलिन ने जियोग्राफी का इम्पोर्टेंस को बताने के लिए एक अच्छे सा कोटेशन यूज किया जो आगे हम देखेंगे. तो देखिए, जियोग्राफी एक्सप्लेन द पास्ट, इल्यूमिनेट्स द प्रेजेंट एंड प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर. व्हाट कुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन दैट. तो जियोग्राफी हमें पास्ट के बारे में बताती है कि पास्ट हमारा क्या था, कैसे था एंड हमें प्रेजेंट के बारे में जागृत करता है एंड फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करता है. तो देखा जाए जियोग्राफी में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन सारे चीज़ों का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन वो करता है. तो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है एक सब्जेक्ट में. तो आगे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसा इम्पोर्टेंस है जियोग्राफी का, वो क्या है. पहला है ग्रोइंग नॉलेज. जियोग्राफी हेल्प अस टू ग्रो आवर बेसिक नॉलेज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, लैंडफॉर्म्स, आवर एग्जिस्टेंस, एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, एनीथिंग क्रिएट ऑन द अर्थ. इन सारे चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज, अर्थ कैसे फॉर्म हुआ, अर्थ कैसे रोटेट करता है, ये जितने सारे हेवनली बॉडीज है, इन सारे चीज़ों का जो बेसिक नॉलेज हमें जियोग्राफी से मिलता है. उसके बाद है कि सेव लाइफ एंड वेल्थ फ्रॉम नेचुरल हैजर्ड्स. तो नेचुरल हैजर्ड्स क्या है. नेचुरल हैजर्ड्स आर एक्सट्रीम नेचुरल इवेंट्स दैट कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ, एक्सट्रीम डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रप्ट ह्यूमन एक्टिविटी. जैसे बहुत सारे नेचुरल हैजर्ड्स है लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ऐसे बहुत सारे है. इन ए सेंटेंस वी कैन से दैट हैजर्ड्स क्रिएट आवर हेडेक इन ऑल टाइम्स. हैजर्ड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जियोग्राफी विच वी स्टडीज नाउ ए डे विद द एडवांस ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी. एक्यूरेट प्रिडिक्शन एंड हैजर्ड्स ऑकर्स एंड इट्स सॉल्यूशन आर डिस्कस विच ग्रेटली रिड्यूस द चांस ऑफ ह्यूमन डेथ.
आज ज्योग्राफी इतना एडवांस हुआ है कि हैजार्ड्स का अकरनेस, इट्स एक्यूरेट प्रिडिक्शन, सॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करती है। इन इनमें क्या होती है कि ह्यूमन बीइंग का जो हैजार्ड से नुकसान होने की मात्रा वो कम होती है। आगे देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी। तो कल्चरल डाइवर्सिटी रिफर्स टू हैविंग ए वैरायटी ऑफ कल्चर्स और ह्यूमन सोसाइटी विद इन ए स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, सो वी लर्न फ्रॉम वन अनदर, बट फर्स्ट वी मस्ट हैव ए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर थ्रू द स्टडी ऑफ कल्चर। लर्निंग अबाउट अदर कल्चर हेल्प अस टू अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव विथ इन द वर्ल्ड इन विच वी लिव। सो कल्चरल डाइवर्सिटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आवर कंट्री वर्क प्लेस एंड स्कूल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस कल्चर रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स एंड इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इफ वी वॉन्ट टू ट्रेड इन फॉरिन कंट्री देन वी मस्ट हैव रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग नेचर ऑफ फॉरिन कल्चर्स लाइक लेबर फोर्स, लैंग्वेज, फूड हैबिट, मार्केट एरिया ऑफ द प्रोडक्ट एंड मैनी अदर थिंग्स एंड मेक अस ग्लोबल सिटीजन। तो कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, तो कल्चरल जो डाइवर्सिटी है इसको अच्छे तरह से समझने के लिए, कल्चरल डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें जियोग्राफी पढ़ना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद आता है कि फॉर नोइंग नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी। तो नेचुरल रिसोर्स है कि द नेचुरल रिसोर्स इज समथिंग फाउंड इन नेचर दैट पीपल कैन यूज टू मीट देयर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, रॉक, वाटर, एयर, ऐसे बहुत सारे। इफ यू लुक एट सम ईयर्स एगो फ्रॉम टूडे देन यू हैव नो आइडिया अबाउट रिसोर्स, बट टूडे वी हैव एक्सप्लोर बाई स्टार्टिंग जियोग्राफी दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अबोव और बिलो द अर्थ। दिस काइंड ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन कैन बी लर्न फ्रॉम जियोग्राफी। और हम इन नेचुरल रिसोर्स के यूज करके एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, और आज देखिए एनर्जी के ऊपर सब कुछ डायरेक्टली डिपेंड है। उसके बाद आती है पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन। वी कैन गेन नॉलेज अबाउट पॉपुलेशन एंड देयर सॉल्यूशन। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन लाइक वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ऐसे बहुत सारे पॉल्यूशन है हमारा इन्वायरमेंट में। तो पॉल्यूशन के साथ साथ ज्योग्राफी पॉपुलेशन का भी स्टडी करता है, एंड पॉपुलेशन ज़्यादा होने के प्रॉब्लम क्या होती है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन कम हुआ तो क्या होगी, इन सारे चीज़ों को डिस्कस करती है। एंड ग्लोबलाइजेशन के इंक्रीज होने से बिजनेस को क्या रिलेशन है इसको भी बताती है। उसके साथ साथ जैसे हम जियोग्राफी के मदद से एटमोसफियर, हाइड्रोस्फियर, बायोस्फियर, लिथोस्फियर को जाने, उतने तारा की ट्रांसपोर्टेशन में वेरिएशन आए। जैसे कि जब हम एटमोसफियर को जाने एरोप्लेन बना, हाइड्रोस्फेयर को जब हम अच्छे तरीके से जाने शिप बना, तो ऐसे बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में वेरिएशन है। आगे क्लाइमेटिक, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या है देखिए, इन द एंशियंट टाइम वी हैव नो आइडिया अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट दैट्स व्हाई द पोल्यूटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ह्यूमन बींग एंड द पॉल्यूशन इंक्रीज ग्रेजुअली। And after the development of science and geography, we got the reason of climate change such as global warming, pollution. तो जब रीजन के बारे में पता चला उसके मुकाबला कैसे किया जाए जिसको ह्यूमन के अच्छे हो और उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को जियोग्राफी स्टडी करती है। उसके बाद 7 पॉइंट पे है कि नॉन फिक्शन रीडिंग स्किल। नॉन फिक्शन राइटिंग दैट डील्स विद द रियल पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स। स्टार्टिंग जियोग्राफी ऑलवेज हेल्प टू डेवलपमेंट नॉन फिक्शन रीडिंग स्किल इन द मैप एंड द जियोग्राफी रिलेटेड मटेरियल एज वेल। आगे देखेंगे कि नेविगेशन स्किल। नेविगेशन होता क्या है कि द साइंस ऑफ लोकेटिंग द पोजिशन एंड प्लॉटिंग द कोर्स ऑफ शिप एंड एयरक्राफ्ट। वी कैन नो whether you are at north or south after studying geography. Studying geography can enhance your navigation skill no matter where you are.
ठीक है, तो नेविगेशन स्किल डेवलपमेंट का तुम्हें जियोग्राफी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद है क्रिएट वास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इफ यू डिसाइड टू स्टडी जियोग्राफी इन कॉलेज, योर अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशन विल बी। ऐसे बहुत सारे फील्ड है जो जियोग्राफी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ऑफर करती है। देखिए, कार्टोग्राफर है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, ओशिनोग्राफर है, इन सारे चीज़ों के जियोग्राफी फील्ड 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 के अंदर है जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को देता है। तो मुझे सबसे जियोग्राफी में ये अच्छे लगे कि जियोग्राफी में साइंस के बहुत सारे फैक्ट्स के साथ साथ ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है उसको स्टडी करता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से जियोग्राफी कंप्लीट सेटिस्फेक्शनरी सब्जेक्ट है। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।